वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क टेन में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। राजधानी दिल्ली में अधिकारियों की लड़ाई अंतिम चरण पर आ पहुंची है। जी हां, अधिकारियों के अधिकार की लड़ाई। लोकसभा में बिल पास होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा में भी एनडीए मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो ठीक नहीं है। और संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने जो आरोप लगाए हैं, सब बेबुनियाद हैं। दरअसल लोकसभा में सर्विस बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि दिल्ली में मौजूदा वक्त में खूब घोटाले हो रहे हैं और दिल्ली सरकार का सेवा का भाव नहीं है, सिर्फ झगड़ा का भाव है। इसलिए ये सर्विस बिल बहुत जरूरी है। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान है कि आखिर सर्विस बिल पे हंगामा किस बात को लेकर है। हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, नेता हैं कांग्रेस। और हमारे साथ नितेश चौरसिया जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुकांत जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। हंगामा और हंगामा तो कहते हैं ना कि हंगामा किस बात को लेकर हंगामा, आखिर सर्विस बिल को लेकर जो हंगामा चल रहा है और अब राज्यसभा में ये बिल आएगा, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है, तो आप इसको, जिस हंगामे को आप देख रहे हैं दिल्ली को लेकर, सभी विपक्षी दल, मतलब सभी जो केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं जो दल, वो भी सब, तो आखिर इस सर्विस बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? सर्विस बिल से डर किस बात का है और जिद किस बात की है? दोनों चीजें यहाँ पर। जी नमस्कार संजय जी। जी जितने भी हमारे को पैनलिस्ट साथी, उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपने प्रश्न उठाया कि आखिर हंगामा क्यों बरपा है, ये केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है, इसमें कोई संदेह नहीं। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये उनके क्षेत्राधिकार में नहीं है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा एक आरोप है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया उसको पलट देने की बात है। आपको याद होगा संजय जी कि जो कांग्रेस लीड कर रही थी इस बहस को लोकसभा में, उसने किस तरह से शाहबानों वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ लोगों को खुश करने के लिए रातों रात पलट दिया था। पर एक और चीज इसमें जोड़ दीजिएगा इंदुकांत जी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। आम आदमी पार्टी का यह भी आरोप है कि लगातार ये कहा जाता रहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आज तक दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। इस बात को लेकर भी वो कहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आप सारे अधिकारी हमारे से ले लेंगे तो फिर दिल्ली सरकार करेगी क्या? जी अब बोलिए। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये तो हुई बात कि कानून और संविधान क्या कहता है, मैं उसकी बात पहले कह रहा था। जी 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 और सर्वोच्च न्यायालय में मामला आया, आदेश आया, जो आपका मुख्य आरोप है, और उनको अधिकार दिए गए और उसको केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके पलट दिया और अब इस एक्ट से उसको नियम बना के हमेशा के लिए खत्म करने की बात चल रही है। अब आते हैं इस बात पे कि जो बात हो रही है उसका कितना न्यायोचित है, कितना उचित अनुचित है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस समय कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और बीजेपी शासन चलाती थी दिल्ली में, तो वो भी काफी हद तक राज्य का और पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा करते थे। तो ये वही बात हो गई कि आज जब हम रिसीविंग एंड पे है तो हम कुछ और कहते हैं और जब हम वहां थे तो हम दूसरी बात कहते थे। ये एक बात है जिसका जवाब भाजपा के लोगों को देना चाहिए। लेकिन अब आते हैं सिद्धांत की बात। पूरी दुनिया में देखिए संजय जी, जो भी राजधानी क्षेत्र होता है, जैसे अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहां पे केंद्र सरकार जो बैठती है, फेडरल गवर्नमेंट बैठती है, वो वहां की काफी सारी चीजों को अपने अधिकार में रखती है। इसका एक मैं उदाहरण छोटा सा देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन केजरीवाल जी के पास हो, जिस तरह से उनकी पुलिस एक भाजपा के नेता को गिरफ्तार करने रातों रात पंजाब से पहुंची थी दिल्ली में, और जिस तरह से चूहे बिल्ली का खेल हुआ था, वैसा कल को मान लीजिए संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के साथ उनकी सरकार कर दे तो क्या होगा? और इसके उलट कल को केंद्र सरकार में वो कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री हो और दिल्ली की सरकार बीजेपी चला रही हो और उन्होंने कोई ऐसी बात कही कि एक एफआईआर रजिस्टर करके और कानून में बदलाव कर गिरफ्तारी की बात कर दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, तो क्या होगा? तो ये बातें ऐसी हैं
कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए दुनिया में इसकी स्टडी करके एक कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ अधिकार केंद्र सरकार जो भी केंद्र में जिसको जनता ने चुना रखने की बात पूरी दुनिया में मानी जाती है। नहीं बिल्कुल, हम मैं इन पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं नितेश चौरसिया जी। नितेश जी देखिए, लोकसभा में बिल पास हो गया है, यहाँ दो तीन सवाल उठ रहे हैं, जनता भी उन चीज़ को करती है कि जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार रही है 15 साल लगभग, शीला दीक्षित जी वहाँ पर लगातार सरकार को चलाती रही है, तब तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी, सेम चीज़ थी, सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या है कि ये इतना ज़रूरी हो गया। दूसरी चीज़, अगर बिल पास होता है तो डर किस बात का है, या यहाँ पर अन्याय कहाँ हो रहा है, ये भी सब जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये तो ये बिल पे बार बार हम जो अपोज कर रहे हैं, हम एक समान समन्वय चाहते हैं। एक वोटर ने जिसने 3 दशक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सरकार बनाई, दिल्ली में चुना और 8 से 9 साल की लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रीम स्पष्ट कर क्या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार का अधीन ये स्पष्ट करा था, जिससे कि आपस के कंट्राडिक्शन जो है वो क्लियर हो जाए। और बिल्कुल सही बात है, लॉ लैंड और पुलिस तीनों चीज उन्होंने केंद्र सरकार का अधीन रखी थी, बाकी सभी मुख्य जितनी भी पावर है इसमें सर्विस एक अहम था, उसको भी दिल्ली सरकार ने रखा। उसके पीछे एक फंडामेंटल राइट उन्होंने जोड़ा, उसमें उन्होंने कहा था कि एक वोटर जो दिल्ली का हो और एक वोटर जो उत्तर प्रदेश का हो या किसी अन्य राज्य का हो, उन दोनों के अधिकारों में उनके दोनों की समानता एक है संविधान के तहत। अगर वो यहाँ वोट देते हैं तो भी उतना ही अधिकार है, यहाँ वोट देते हैं तो भी। जब वो अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि के पास इतना अधिकार होना चाहिए कि उसकी सुनवाई ना हो तो उस पर एक्शन लेने के लिए वो बाध्य। जब हम उसको उतना पावर देंगे, ये उसके पीछे का फंडामेंटल है, ये मैंने कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के फंडामेंटल्स हैं। अब मैं आता हूं ये दूसरी बात पे। यही भारतीय जनता पार्टी मदन लाल पुराना जी के नेतृत्व में दिल्ली को पूर्ण राज दर्जे की मांग, मैं आज पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी, क्या मदन लाल पुराना जी का कही हुई बात आपने झुठला दी या वो मात्र एक जुमला था, आप स्पष्ट कर दें। तीसरी मुख्य बात, आखिर ऐसा 9 दिनों में क्या आपको हो गया, क्या आपके अधिकारियों से सांठगांठ है कि आप 9 दिन 8 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए और रातों रात 11 बजे चोर दरवाजे से अध्यादेश लेके आते हैं और आज आप बिल पास करते हैं। और आपने सदन में देखा होगा एक भी लॉजिकल बात आपको देश के गृह मंत्री के मुंह से इसके पक्ष में देख सुनने को मिली हो, वो खुद बताते हुए शर्मा रहे इसके इसके इसकी अच्छाई क्या है। और सबसे अहम और मुख्य बात यह है कि आज अगर दिल्ली का वोटर अरविंद केजरीवाल को चुनता है उसकी बदला भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वोटर से ले रही है। वो कह रही है ऐसे या वैसे सरकार हम ही चलाएंगे, आप वोट नहीं दोगे तो हम तोड़ेंगे, नहीं टूटोगे तो संविधान बदल के हम पावर ले लेंगे, लेकिन सरकार हम ही चलाएंगे। अच्छा, पर नितेश भाई जो ये सारी चीजें हैं ये पहले से ऐसे चलती आ रही है, आपको तो ये भी पता है, तो फिर अचानक इतना टकराव किस बात को लेकर हो गया, इस पर भी तो प्रकाश आना चाहिए ना सामने, क्योंकि इंदुकांत जी का इशारा उस ओर भी था। बिल्कुल, आप 2014 से 13 में हमारी प्रथम सरकार बनी, हाँ 13 में सरकार बनने के बाद 14 में मुख्यमंत्री। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए ना, ये व्यवस्था है, ये आज तो इस तरीके की स्थितियां नहीं आई, ये तो हमेशा ऐसी रही है। मैं वही बता रहा, जैसे 14 में मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, इन्होंने सबसे पहले गृह मंत्रालय से क्वार्टर पास किया, उसमें ACP और सर्विस उन्होंने अपने पास कर, हम ये मामला लेके कोर्ट गए, कोर्ट में हमें 2019 में हमें हमारे फेवर में फैसला नहीं आया, फिर 21-22 में हम गए और 23 में गए, 23 में हमें सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में फैसला आया। 14 से पहले सर्विस जितने भी सर्विस के पावर थे वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है जितने थे, ये 14 के बाद ये विडंबना शुरू हुई है, उस समय से हमारी सरकार लगातार चल रही है, इसलिए ये विरोध हम बार बार को दर्ज करा रहे हैं कि सरकार अगर एक फेडरल सिस्टम को मेटल नहीं चलना चाहती देश के। नितेश जी आप देखिए, लोकसभा में बिल पास हो ही गया है, अब राज्यसभा की बारी है,
वहां पर भी आपकी स्थिति कितनी मजबूत रहेगी तो आने वाला समय बताएगा। रत्नाकर जी, नितेश जी ने भी बहुत कुछ बोला और हमारे डॉक्टर इंदुकांत जी ने बहुत सारी चीजें बताई, उसके बाद में मुकेश भाई भी हमारे साथ है, आपका जवाब भी उनसे लूंगा। लेकिन जो कांग्रेस लगातार सरकार चला रही थी तब उस तरीके के यहाँ पर टकराव नहीं दिखे। ऐसा नहीं है कि केंद्र में भाजपा पहली बार आ रही है, उससे पहले भी भाजपा रही है, राज्यों में दूसरी सरकारें रही हैं। तो दिल्ली को लेकर आज जिस तरीके के हंगामे नजर आ रहे हैं, सदन नहीं चल पा रहा है, जरूरी मुद्दे हैं उन पर भी वार्ता नहीं हो पा रही है, ऐसी स्थितियां बन गई है, और उसके बाद भी बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका, अब राज्यसभा की बारी है। अगर राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो जनता एक बात तो पूछेगी ना रत्नाकर जी, कि आखिर जब इतना हंगामा था और ये बिल पास ही होना था तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर शुरुआत पहले दिन से इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, और जो चीज पास हो गई उसके बाद जो इतना समय खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रत्नाकर जी। संजय जी, देखिए जो टकराव की स्थिति है, निश्चित रूप से अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री और एलजी के बीच भी जो टकराव की स्थिति पैदा होती है, उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो है राज्य की सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और जो अधिकार है उस अधिकारों का प्रयोग करके जनता के हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब एलजी के पास अगर कोई भी प्रस्ताव लेकर जाते हैं या कहीं पे कुछ उस तरह की बातों को लेकर जाते हैं तो टकराहट देखने को मिलती है। उसका कारण सिर्फ यही है कि भारतीय, जैसा कि आपने अभी नीतीश जी की बात सुनी, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो भले ही दिल्ली की सरकार को एलजी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो कंट्रोल करने की स्थिति जो है हमेशा चाहती है, इसी वजह से ये टकराहट दिख रही है। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा संजय जी, चुनी हुई सरकारें हैं और जनता ने, दिल्ली की जनता ने चुना है, और अगर दिल्ली की जनता ने चुना है तो निश्चित रूप से चुनी हुई सरकार को अगर कुछ अधिकार मिलते हैं और उस अधिकारों की पुष्टि भी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा लोकतंत्र का एक स्तंभ है वो करता है कि नहीं, जो इनको अधिकार ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मिल रहा है वो अच्छी चीज है, उससे जो है कहीं ना कहीं परिस्थितियों को नियंत्रण में कर सकते हैं। आपने देखा कि दिल्ली में बाढ़ की परिस्थिति में किस प्रकार जो है सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का नाफरमानी कर रहे थे, और हंस रहा, आपने देखा कि वहां की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और दिल्ली की में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह की बातें करता है कि अधिकार मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट जो लोकतांत्रिक, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, उसकी उसके आदेशों को दरकिनार करते ये अध्यादेश ला करके फिर एलजी के माध्यम से दिल्ली को कंट्रोल करना चाहते अच्छा, हैं। अच्छा रत्नाकर भाई, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि इसी बिल पर इस तरीके की बात हो रही हो? ऐसे बहुत सारी बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, उसके बाद हर सरकारों ने फिर निर्णय को लेकर बिल लाए हो, ऐसा तो बहुत बार हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इसी बार हुआ? संजय जी देखिए, बहुत बार होने में और ये आज की आज स्पेशल है परिस्थितियां जी, परिस्थिति ऐसी है कि यही भारतीय जनता पार्टी है जो जनता के बीच जब जाती है चुनाव में 2008 में और 2013 में, तो ये कहती है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जब ये अपने मैनिफेस्टो में वादा करते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि चुनी हुई सरकार को जो है पूरा अधिकार मिलना चाहिए, ये वादा करते हैं। लेकिन आज जब चुनी हुई सरकार को उसके अधिकार मिलने का जो काम हो रहा है उसके खिलाफ ये जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इनकी मंशा समझ जाइए कि ये दिल्ली की सरकार को के ऊपर शक कर रहे हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल अपने तहत चाह रहे हैं। मैं एक चीज प्रश्न पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, अगर आपको ये शक है कि इस जो है आदेश का दुरुपयोग हो सकता है, ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है, तो भाई तमाम एजेंसियां हैं आपके पास, है ईडी है, सीबीआई है, तमाम केंद्रीय एजेंसियां है, उनका आप उपयोग करके और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं उसके माध्यम से। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का जो अधिकार है उस अधिकारों से जिससे कि राज्य सरकार को जो मिलता है उसे वंचित रखना कहीं ना कहीं इनके मंशा को दर्शाता है कि ये हमेशा अपने कंट्रोल में सारी चीजों को रखना चाहते हैं। पर रत्नाकर भाई एक 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 जवाब और दे दीजिए, फिर मैं मुकेश भाई के पास चला जाऊंगा, कि जब इतना हंगामा हुआ और फिर लोकसभा में बिल पास हो गया, अब राज्यसभा में वहां भी पास हो जाता है, तब जो इतने हंगामे के बीच में जब सदन नहीं चला, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए संजय जी, मैं बात याद दिला दूं सुषमा स्वराज का, उन्होंने जब विपक्ष में थी वो, तो उन्होंने कहा था कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। चले सत्ता तो पक्ष की होती है, मैं सत्ता पक्ष से ही ले लेता हूं फिर। सत्ता पक्ष अगर विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेगा नहीं, अगर उनकी बातों को सुनेगा नहीं, सिर्फ अपनी मनमानी करेगा, तो सदन है ना, वो लोकतंत्र का मंदिर है, सदन है, वहीं पर तो चर्चा होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि रत्नाकर भाई की चर्चा आजकल वहां नहीं हो रही,
चर्चा नहीं हो रही और लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। हर कोई चाहता है गतिरोध दूर हो। संजय जी, जी हाँ, मैं एक लाइन का जवाब जी, जी संजय जी, कौन भाग रहा है ये बताइए। हम जब कहते हैं कि इनको आइए और चर्चा करिए रूल 267 के तहत, तो ये अल्पकालिक। चलिए मैं मुकेश जी से एक बार ले लेता हूँ, सबका जवाब ले लेता हूँ क्योंकि सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा। मुकेश भाई देखिए, दोनों लोगों को आपने सुना, अब ले लेता हूँ रत्नाकर जी अब ले लेता हूँ ना मुकेश भाई से। जी मुकेश जी देखिए, बहुत सारी चीजें आपके सामने आई है मुकेश भाई, सबने सारी चीजें बोली हैं और जवाब हर किसी का ये रहता है क्योंकि सत्ता पक्ष में आप है तो सारी जिम्मेदारी भी आप ही की है। क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया? क्योंकि आप लगातार कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा है। क्या केजरीवाल जी वहां आ गए, वो काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने के लिए रोका जा रहा है, इस तरीके के आरोप आप पर लग रहे हैं। और बहुत सारे आरोप जो है, कांग्रेस जो वहां पर सत्ता चला चुकी है वो भी साथ में है, वो भी कह रही है कि सारी की सारी जो जिम्मेदारी है यहाँ पर, जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, उस सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब जवाब दीजिए जी। संजय जी, मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब मैं बोलूं तो प्लीज उसमें नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुकेश जी, सब सुनते हैं इत्मीनान से, फिर जवाब देंगे बराबर में। जी बोलिए। मुझे पास का एक्सपीरियंस है कि बोलते बोलते बीच में नहीं, कोई नहीं बोलता, यहाँ नहीं बोलेंगे, जैसे आप शांति के साथ बैठ रहे वो भी बैठेंगे जी, और रत्नाकर इस मामले में एक्सपर्ट है, चिंता ना कीजिए, बोलिए। जी जी, देखिए ऐसा है कि इसका आपको पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। सबसे पहले जो है 1991 में 69th अमेंडमेंट के थ्रू 239A को इंट्रोड्यूस किया गया जी, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। ये तो आपको मालूम है, बिल्कुल बिल्कुल, 299A ये एक संवैधानिक प्रोविजन है और उसी के आधार को लेकर के आज पूरी अमित शाह जी की जो डिबेट थी उसी प्रोविजन को लेकर के थी। फिर देखिए केंद्रीय शासित यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय शासित मतलब इसमें, इसका अगर आप परिभाषित देखें तो इसका जो पहला शब्द शुरू होता है केंद्रीय शासित, मतलब जो केंद्र के माध्यम से शासित हो उसको यूनियन टेरिटरी है ये। अगर पूर्ण राज्य का इनको चाहिए था तो ये कोर्ट में जाकर के उसको पूर्ण राज्य के लिए भी चैलेंज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है अपनी कुछ पावर्स को लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करने की जो इनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी। देखिए वहां पर सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो इनकी नियत है केजरीवाल सरकार की, जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस प्रकार से इनके अल्टीरियर मोटिव्स ये हैं कि जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, जिस प्रकार से शराब का घोटाला है, इनका शीश महल में 42 से 45 करोड़ का खर्चा किया है, वो तमाम ऐसी फाइलें थी। अब आप देखिए कितनी इन्होंने त्वरित गति से विजिलेंस का गठन किया ताकि वो जो फाइलें हैं उनका निस्तारण हो जाए और वो कलंक जो उन पे लगा है वो साफ हो जाए। तो इनकी नियत के अंदर ये था। और दिल्ली देखिए, मैं आपको बताऊं संजय जी, एक भारत की राजधानी है, यहाँ पे तमाम अंतरराष्ट्रीय लोग आते हैं, इसकी जो गरिमा है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भी यूनियन टेरिटरीज में ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दिल्ली के प्रति जो संवेदना है वो बहुत अत्यधिक है। इंटरनेशनल प्रेस है यहाँ पर, इसका संचालन जो है सुचारू रूप से होना चाहिए। ये प्रथम, तभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा इसको पॉलिटिक्स में मत कन्वर्ट करिए। इनका क्या हो गया है कि इनको गठबंधन की कंपल्शन है, यही कांग्रेस जो गाली देती थी और ये एक दूसरे को गाली देते थे, आज बिल को लेकर के उन्होंने रैंसम पे ले लिया इनको, इनको फिरौती दी कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपका, आपने देखा कि क्या हुआ पटना के अंदर, छोड़ के चले गए थे। तो ये इनकी एक जो है एक कंपल्शन बन गई कि भाई सपोर्ट हमें करना है, गलत या सही। लेकिन आपने खुद ही कहा कि शीला दीक्षित के टाइम में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होता था, यही कॉन्स्टिट्यूशन था, यही संविधान था, यही एलजी थी, कहां पर आपने कन्फ्रंटेशन देखा? जब से केजरीवाल आए तब से इन्होंने कन्फ्रंटेशन के गीत गा रखा है, क्योंकि इनको ऐसी पावर चाहिए ताकि कोई इनमें झांका ताकि ना कर सके। इन्होंने असेंबली के, आप इनके सेशन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितनी बार कैबिनेट मीटिंग बुलाई है, सिर्फ बजट सेशन बुलाए गए इन्होंने। तो ये तमाम ऐसी चीजों को छुपाना चाहते थे जिससे कि इनका ये भ्रष्टाचार की दुकान चलती रहे और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता रहे, और तमाम जो इनकी महत्वाकांक्षा है पूरे देश व्यापक अपनी आप पार्टी को स्थापना करने की, उसका धन आता रहे। तो ये पूरी जो है काली इनकी कृति थी वो सामने उजागर हुई। आज अमित शाह जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक तमाम ऐसी बातें बताई है, मैं समझता हूँ इनकी पोल खुल गई है, इनका पास कोई नैतिक स्तर नहीं है, और मैं समझता हूँ देश के हित में ये बिल्कुल सही ऑर्डिनेंस जो पास भी हुआ है लोकसभा में, और हमारे साथ और भी पार्टीज आ गई, जो हमारे विपक्ष में पार्टी थी, नवीन पटनायक की पार्टी आ गई है, वाईएसआर पार्टी आ गई है, मायावती जी ने जो एब्सटेन कर दिया है, तो तमाम अपोजिशन के लोग भी हमारे साथ इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो है ये पूरी राजनीति दिल्ली को बर्बाद करने की राजनीति, जब बाढ़ आई तो कांग्रेस तो हमारे सत्ता पक्ष पे लगाने लगे। अब ये बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि साहब हमको चर्चा नहीं करने देते, अरे प्रोविजन में 2.5 घंटे का प्रोविजन है, आप 2.5 घंटे कम होते चर्चा करने के लिए, और वो 2.5 घंटे भी स्पीकर चाहे तो बढ़ा सकता है,
लेकिन इन्होंने इनको नहीं साहब ये करना, हर बात पे प्रधानमंत्री को बुलाना, तो ये जो इस प्रकार की इनको अड़ियल स्वभाव है, मैं समझता हूँ देश के हित में काम नहीं कर रहे, ये महत्वाकांक्षियों की दुकान है, ये आपस में पावर पाने के लिए और देश की जनता को ठगने का ये पूरी साजिश है। नितेश बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से पूछिए जी। जब भ्रष्टाचार की बात आती है और भाजपा भ्रष्टाचार की बात करती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अपने अहिंसा पे एक प्रवचन दे रहा है। 2014 के बाद एक वॉशिंग मशीन का उद्घाटन हुआ, दिल्ली पे बात कीजिए, झूठ करे भ्रष्टाचार रिपीस्ट करप्टी जितने भी बलात्कारी जिस प्रकार के जितने भी वंचित और जितने भी नितेश दिल्ली बिल पर मोदी वॉशिंग मशीन में आती है और धुल जाती है दिल्ली बिल, और वो आके यहाँ टीवी पे ज्ञान देते हैं कि हमारे साथ भ्रष्टाचार के लिए ये भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं। अजीत अभी मुंबई में अजीत नाम की कोई व्यक्ति थे, ध्यान है आपको नितेश भाई, दिल्ली की बात हो रही है आज तो फिलहाल दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं फिर समय समय खत्म हो जाएगा, फिर मैं ले नहीं पाऊंगा जी। मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं उनकी बात में सुनता था। मुझे ये बताइए कि ये तय करने वाली देश की जनता है कि कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे कर रहा है नहीं कर रहा, या केंद्र की सरकार है, ये मुझे बताइए। तो फिर वोट देने का अधिकार क्या हुआ जनता का? आप दोनों का अंतर समझा दीजिए अगर आप ही तय करेंगे सब कुछ। पर यहाँ पे ना नितेश भाई, जो जनता ने वोट दिया वो पूर्ण राज्य के दर्जे पर वोट नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को वोट दिया जैसे दिल्ली चल रही थी। पूर्ण राज्य की जो बात करनी है वो तो राजनीतिक दलों को मिलकर करनी है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए, लड़ाई तो उस चीज की लड़नी चाहिए। सरकार उन्होंने कहा दिल्ली सरकार चला नहीं पा रही, ये दिक्कत है, ये कमी है, ये देश की जनता। सवाल कीजिए, आप क्या बता रहे, बताइए मुकेश जी से, सवाल कीजिए, मैं मुकेश जी से जवाब लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या काम करा, यही नरेंद्र मोदी है जो यहाँ पे जनसभा नहीं करना पड़ते, यही अमित शाह है जो पर्चा बांटते हैं गली गली में। आप सवाल क्या चाहते हैं मैं नितेश भाई, आप मुकेश जी से क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बदले की राजनीति से दिल्ली का क्या भला करना चाहते हैं? मुकेश जी, बदले की राजनीति हो रही है, इसका जवाब दे दीजिए, नहीं तो समय खत्म हो जाएगा। मुकेश भाई, नहीं, कहीं भी प्रतिशोध नहीं है। मैं आपको पहले, मैं एक बात आपको बहुत सही बता दूं, कहीं भी प्रतिशोध नहीं है। ये सिर्फ इनके हृदय के अंदर प्रतिशोध है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचारी, इनके दो मंत्री ऑलरेडी बंद हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बंद हैं, शराब का घोटाला जग जाहिर है किस प्रकार से इन्होंने शराब का घोटाला किया। कोरोना के टाइम में शराब को वितरित करके इन्होंने अपने कॉफर्स भरे, तो इनको सिर्फ भ्रष्टाचार बचाने का इनका पूरी नियत है, तो वो साफ हो गई है। अमित शाह होम मिनिस्टर है इस देश के, और दिल्ली का मामला है, दिल्ली के अंदर इस प्रकार के लोग जो अराजकता को फैलाने में विश्वास रखते हैं, जो हमेशा झूठ बोलते हो, अन्ना से कहा था कि मैं कभी पावर में नहीं आऊंगा, सिंप्लिसिटी मेरा एक आभूषण होगा, आप उनका उनके उनके चरित्र में आप वो तो देखिए कितना परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल मतलब रक्षक भक्षक बन गए। तो इनकी जब रक्षक और भक्षक बनने की नियति सामने आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि होम मिनिस्ट्री चुप बैठी रहेगी? आप क्या समझते हैं इस देश का तंत्र चुप बैठा रहेगा? या उनकी नियत को उजागर करना हमारा फर्ज नहीं बनता? या हम कहें कि ठीक है भैया आप करिए जैसे रूल करना करिए, मिस रूल करना करिए, लूटिए दिल्ली की जनता को, तो क्या ये कहां तक का नैतिक धर्म है जरा मुझे बताइए? और क्यों नहीं हस्तक्षेप किया जाए, क्यों नहीं इनकी इनकी बातों में हस्तक्षेप किया जाए? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी शब्द हैं? देश की हित की और रक्षा करना जो है केंद्रीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर इंदुकांत से एक लाइन में जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर इंदुकांत जी, सभी लोगों को आपने सुन लिया होगा, यहाँ पर दिल्ली को पूर्ण राज्य को लेकर लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सर्विस बिल पर घमासान मचा हुआ है, और वो सर्विस बिल भी अभी लोकसभा में पास हो गया, अभी राज्यसभा की स्थिति क्या रहेगी वो भी समय पे अभी पता लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि आखिर क्या दिल्ली वास्तव में पूर्ण राज्य की स्थिति में आ सकता है, और क्या सर्वदलीय बैठक होकर इस बात पर निर्णय लिया जा सकता है, या ये घमासान राजनीतिक घमासान है, ये समय समय पर ऐसे ही दिखता रहेगा? एक लाइन में जवाब दे दीजिएगा जी। संजय जी देखिए, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी सरकार आएगी केंद्र में, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं दे सकती जी। और दूसरी एक बात और कह देना चाहता हूँ, जो उदाहरण लोग दे रहे थे, चंडीगढ़ की जनता, अंडमान निकोबार की जनता, उसको उत्तर प्रदेश जैसा अधिकार तो नहीं है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि तो नहीं होते हैं। तो आप ये कहीं कह सकते हैं भाई, जिसको केंद्र शासित बनाया गया वो कुछ सोच के ही बनाया गया, तो ये तर्क नहीं दे सकते हैं। दूसरा सिर्फ एक बात और, कांग्रेस का स्टैंड आज का देख लीजिए, और अभी 2-3 महीने पहले का देख लीजिए। दिल्ली में शीश महल की बात कांग्रेस के नेता भी करते थे, आज उनका बदला स्टैंड क्यों सभी जानते हैं, उसके बाद भी कहते थे।
तो ये राजनीति है और राज्यसभा में भी पारित होगा, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, जनता का निर्णय आपको देखने को मिलेगा 2024 के चुनाव में। बिल्कुल यही यही 2024 में इसका निर्णय और इसका जवाब सब कुछ मिल जाएगा। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सदन में अभी हंगामा जारी रहेगा, लेकिन गतिरोध टूट जाए इसको लेकर हर किसी की आशा है, हर कोई अपील भी कर रहा है, हर कोई चाहता है कि सदन में चर्चा हो, सदन में चर्चा होगी तो समाधान निकलेगा। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।